हे गाइस, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बता दूं कि हम कई सारे क्रैश कोर्सेज आपके लिए लेके आते रहते हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR, DBT, GATE, ICMR, ICR, एनी लाइफ साइंस एग्जामिनेशन, तो जुड़िए हमारे साथ और इस यूट्यूब चैनल पर देख करिए कई सारे क्रैश कोर्स और कई सारे डिटेल कोर्स के वीडियो इन अ वेरी इंटरेक्टिव, वेरी स्मार्ट एंड वेरी यूनिक वे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा इस चैनल को। बाकी इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बूस्ट हो सके। सो लेट्स चेंज द वे ऑफ लर्निंग एंड वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं लेबलिंग के बारे में। लेबलिंग जो होता है कि जब हम पार्शियल डाइजेशन करते हैं तो जनरली वन एंड लेबलिंग की जाती है। क्या किया जाता है जब लीनियर डीएनए के लिए पार्शियल डाइजेशन करते हैं? सो यहाँ पे लेबलिंग की जाती है वन एंड की, एक एंड की लेबलिंग की जाती है डीएनए से, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि हमारे पास जो कट हो रहा है कितने फ्रेगमेंट लेबल्ड में अनलेबल्ड में आ रहे हैं, हम उनको रिकॉग्नाइज कर पाए। अदरवाइज साइज का पता ही नहीं चलेगा कौन कहाँ पे जा रहा है। तो पार्शियल डाइजेशन को देखने की कोशिश करिएगा। अगेन वही फ्रैगमेंट्स है, बस यहाँ पे अगर आप देख गए तो आपको पूरा का पूरा कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पार्शियल डाइजेशन में। कुछ करना नहीं है जी, बस देखने की कोशिश करिएगा। ये आपका डीएनए दिख रहा है, ये आपका डीएनए दिख रहा है, ये डीएनए में यहाँ पे लेबल कर दिया हमने, ये डीएनए में ये लेबल कर दिया, लेबल कर दिया। अब लेबल करने के बाद देखिएगा वन बाई वन देखने की कोशिश करेंगे, वन बाई वन क्या क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे। पार्शियल डाइजेशन का मतलब है कॉम्बिनेशंस एंड इंडिविजुअल। पहला जो पॉसिबिलिटी बनेगा वो बनेगा नो कट का। जब नो कट बनेगा तो कितना साइज आएगा जी, 4 KB + 3 KB + 2 1 KB, दैट इज वॉट ये आ जाएगा, दैट इज द 10 KB, 10 KB आएगा। अगर ये देखिए जब कहीं पे कट नहीं हो रहा तो पूरा का पूरा लेबल्ड फ्रैगमेंट मिलेगा, अनलेबल्ड होगा जो 0 KB मिलेगा। ठीक है, नाउ अगर मैं आपसे बात करता हूं यहां पे कि अगर कट एट ए, यहां पे कट करता है जी, यहां पे कट करता है, जब यहां पे कट करेगा पार्शियल डाइजेशन में, वन एंड लेबल्ड है, वन एंड लेबल है तो यहां पे कट करेगा तो आपको फ्रैगमेंट मिलेगा एक ये और एक पूरा ये मिलेगा। तो जब ये मिलेगा तो एक 4 KB का लेबल्ड फ्रैगमेंट मिलेगा वन एंड, और 6 KB का 3, 2, 5, 1, 6 KB का अनलेबल्ड मिलेगा। क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है यहां तक, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? ठीक है जी, जब नो कट था तो आपका 10 KB, जब आपके ए पे कट हुआ तो 4 KB और 6 KB, अगर फिर बी पे कट हुआ, जरा बी पे कट करो, जब बी पे कट करोगे तो आपके पास 7 KB का लेबल्ड और 3 KB का अनलेबल्ड मिल रहा है। 7 KB का लेबल्ड, 3 KB का अनलेबल्ड, देखिए 7 KB का लेबल्ड, 3 KB का अनलेबल्ड। अगर सी पे कट करते हैं, अगर इसी चीज को हम सी पे कट करिए, सी पे कट करिए तो 1 KB का अनलेबल्ड मिलेगा और ये लेबल्ड मिलेगा, दैट इज 4, 3, 7, 2, 9, 9 KB का अनलेबल्ड। ठीक है, नाउ इससे आपका 9 KB का लेबल्ड, 1 KB का अनलेबल्ड, ये मिला आपके सी पे कट करके। नाउ मूविंग टू द कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशंस पे करते हैं। देखिए जब ए प्लस बी दोनों पे कट होगा, ए प्लस बी दोनों पे कट हुआ तो यहां से भी कट होगा और यहां से भी कट होगा, यानी एक 4 KB का लेबल्ड मिलेगा, एक 3 KB का अनलेबल्ड और एक 3 KB का अनलेबल्ड और मिलेगा, दैट इज वॉट 4 KB अनलेबल्ड, 4 KB लेबल्ड एंड 3 KB प्लस 3 KB अनलेबल्ड। अगर B प्लस सी पे होगा तो इसी तरीके से B यहां पे कट होगा और यहां पे कट होगा, यहां पे कट होगा तो एक आपका 7 KB का मिलेगा इस तरीके से पूरा लेबल्ड, और एक 2 KB का अनलेबल्ड और एक 1 KB का अनलेबल्ड। देखिए 7 KB का लेबल्ड, 2 KB का अनलेबल्ड एंड 1 KB का अनलेबल्ड। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है यहां तक या नहीं आ रहा है? ठीक है, चलिए सी प्लस ए का बता दीजिए जरा सा, तो क्या होगा फिर, अगर समझ में आ रहा है तो व्हाट इज सी प्लस ए? यहां से सी पे भी कट किया और ए पे भी कट किया, जब सी और ए पे कट करेगा तो एक 4 KB मिलेगा, एक 5 KB मिलेगा और एक 1 KB मिलेगा। 4 KB लेबल्ड होगा और 5 KB एंड 1 KB अनलेबल्ड होगा। ओके, नाउ अब देखिएगा कि जब हो सकता है कि नौवां केस, जब तीनों पे कट कर जाए,
जब तीनों पे कट कर जाए, जब तीनों पे कट करेगा तो 4KB लेबल्ड होगा और 3, 2, 1 जो हो जाएगा वो अनलेबल्ड हो जाएगा। ठीक है, सो हमें कॉम्बिनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती पार्शियल डाइजेशन में। हमें कॉम्बिनेशन की जरूरत क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि ये सारे कॉम्बिनेशन के बैंड आप देख रहे होंगे ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, ऑलरेडी ऊपर आ चुका है 10, 4, 7, 9 ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, 4B7, ये 4 सब ऊपर आ चुका है, 4 भी आ चुका है, 7 भी आ चुका है। तो कॉम्बिनेशन की हमें उतनी जरूरत नहीं पड़ती फॉर द लेबल्ड, लेबल्ड के लिए जरूरत नहीं पड़ती। ये जो लेबल्ड आप देख रहे होंगे टोटल लेबल्ड फ्रेगमेंट डिफरेंट साइज के कितने हैं, डिफरेंट साइज के टोटल लेबल्ड फ्रेगमेंट सिर्फ 4 मिलेंगे, 1, 2, 3, 4 4 डिफरेंट टाइप के लेबल्ड फ्रेगमेंट मिलेंगे। सो अगर आप इसको देख पा रहे हो, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या वो एग्जैक्टली वैसा नहीं था कि नंबर ऑफ लीनियर डीएनए जो कंप्लीट डाइजेशन में हम देख रहे थे नंबर ऑफ फ्रेगमेंट n+1 था, वही आपका पार्शियल डाइजेशन में नंबर ऑफ लेबल्ड फ्रेगमेंट के लिए है कि 3 साइड थे तो 4 लेबल्ड मिल रहे थे। तो एग्जैक्टली द थिंग इज सेम, बस यहाँ पे लेबल्ड के लिए यूज होता है, दैट इज फॉर द लेबल्ड डीएनए पार्शियल डाइजेशन में। ठीक है, आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं कि कितने लेबल्ड कितने अनलेबल्ड बनेंगे। नाउ अब देखने की कोशिश करिएगा कि पार्शियल डाइजेशन ऑफ द सर्कुलर डीएनए, जब पार्शियल डाइजेशन ऑफ द सर्कुलर डीएनए के बारे में बात करेंगे तो जनरली नॉट अप्लीकेबल, जनरली ये अप्लीकेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि पहले आप इसको लीनियर डीएनए में कन्वर्ट करोगे और फिर उसका जो फॉर्म होगा पार्शियल डाइजेशन का लीनियर की तरह ही होगा फिर। ठीक है, सो लेबलिंग कैन नॉट बी डन बिफोर मेकिंग इट लीनियर। आप सर्कुलर डाइजेशन करेंगे इसमें लेबलिंग नहीं कर सकते बिना लीनियर में कन्वर्ट किए। सो इसीलिए सर्कुलर डाइजेशन का पार्शियल, सर्कुलर डीएनए का पार्शियल डाइजेशन बहुत ही रेयर होता है। जनरली कंप्लीट डाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं, जनरली जितने क्वेश्चन आते हैं सब कंप्लीट डाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, तो चलिए रिवीजन बॉक्स के ऊपर एक बार चलता हूं, पूरा का पूरा डाइजेशन डिस्कस कर देता हूं फटाफट। डाइजेशन कैन बी कंप्लीट और पार्शियल। डाइजेशन जो हो सकते हैं वो आपके दो पार्ट में हो सकते हैं, इट कैन बी कंप्लीट और इट कैन बी पार्शियल। कंप्लीट और पार्शियल दोनों हो सकता है। कंप्लीट होता है लीनियर के लिए जिसमें फ्रेगमेंट जो होता है वो n+1 होता है। जो कंप्लीट सर्कुलर की बात करते हैं तो इसमें फ्रेगमेंट होता है एन। अगर लीनियर की बात करें, पार्शियल डाइजेशन फॉर द लीनियर, लीनियर के बारे में यहां पे बात करेंगे तो लेबल्ड फ्रेगमेंट जो होता है, लेबल्ड फ्रेगमेंट नॉट ऑल, इट्स द लेबल्ड फ्रेगमेंट दैट इज n+1। एंड अगर सर्कुलर की बात करें तो फर्स्ट मेक इट लीनियर एंड यूज एज द लीनियर। अब उसके बाद वही हो जाएगा, लीनियर के हिसाब से आप चलेंगे यहाँ पे। इज इट क्लियर? मैपिंग जो होता है, मैपिंग के ऊपर बात करो, मैंने डाइजेशन बता दिया, अब मैं मैपिंग बताने की कोशिश कर रहा हूँ, रिस्ट्रिक्शन की मैपिंग। मैपिंग जनरली दो तरीके से रन करते हैं, एक जेल में और एक ऑटो रेडियोग्राम में। जेल की बात करते हैं तो जेल में जैसे कि दो तरीके की मैपिंग होती है, और मैपिंग में जेल में आपके लेबल्ड और अनलेबल्ड दोनों डीएनए अपीयर होते हैं। जस्ट सपोज यहाँ पे लेबलिंग की गई, एक डीएनए फ्रेगमेंट है, दिस इज अ डीएनए फ्रेगमेंट। अब इस डीएनए फ्रेगमेंट के ऊपर मैं बात करता हूं, फॉर दिस डीएनए फ्रेगमेंट ये रिस्ट्रिक्शन साइट है, दिस इज व्हाट द रिस्ट्रिक्शन साइट। इस रिस्ट्रिक्शन साइट पे कट हुआ, कट होने के बाद क्या हो जाएगा, एक आपको लेबल्ड 2KB मिलेगा और अनलेबल्ड 3KB मिलेगा। जब इनको रन करेंगे जेल पे तो आपको 3KB का बैंड और 2KB का बैंड दोनों मिलेगा, यानी लेबल्ड एंड अनलेबल्ड बोथ दोनों अपीयर हो रहे हैं। बट व्हेन यू रन इट ऑन ऑटो रेडियोग्राम, जब ऑटो रेडियोग्राम पे करेंगे तो लेबल्ड, ओनली लेबल्ड मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ लेबल्ड मिलता है। देखिए सिर्फ और सिर्फ 2KB का बैंड मिल रहा है, 3KB विजुलाइज नहीं होता, इसके नाम में ये ऑटो रेडियोग्राम। रेडियो मतलब सीधा समझ में आ रहा होगा कि लेबल्ड होगा तभी यहाँ पे ये रेडियो एक्टिव लेबल्ड होगा, तभी आप उसको डिटेक्ट कर पाओगे। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? मैपिंग में जेल और ऑटो रेडियोग्राम में क्लियर होगा आप लोगों को। नाउ एंड जब से कट होता था वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि स्टैगर्ड एंडेड एंड द ब्लंट एंडेड। स्टैगर्ड के कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि इको R1 BAM-H1 HIND-3 और ब्लंट के जैसे SMA फर्स्ट। ठीक है, और स्टैगर्ड एंडेड जो होते हैं वही लेबल्ड किए जाते हैं। स्टैगर्ड एंडेड में जो आपका फ्री होता है 3'OH, इसी को एक्सटेंड करके यहाँ पे लेबलिंग की जाती है। 3' जो एक्सटेंड करके थ्री या तो 5' से किसी भी तरीके से एक्सटेंड करके वो लेबलिंग करते हैं। तो लेबलिंग जो होती है ज्यादातर स्टिकी की होती है, ब्लंट की नहीं होती।
तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई भी ब्लंट इंडेड फ्रेगमेंट ऑटो रेडियोग्राम में आएगा क्या, यानी लेबलिंग हो रहा है, तो स्टिकी इंडेड जो होगा, स्टिकी इंडेड अगर मैं यहीं पे बोलूं, इसी चीज को यहां पे बोलूं, इसी चीज को जेल और इसमें बात करते हैं, ठीक है। अगर जेल और इसी में बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट थिंग दैट कि जेल में आपको स्टिकी भी मिलेगा, जेल में आपको स्टिकी भी मिलेगा प्लस ब्लंट भी मिलेगा, लेकिन फॉर द ऑटो रेडियोग्राम यू विल गेट ओनली स्टिकी इंडेड। ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, समझ में आ रहा है कि कट करने के बाद आप बता दोगे कि कौन सा बैंड अपियर हो रहा है, वो स्टिकी इंडेड है या कैसा कट है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जब मैं कल कराऊंगा कल के सेकंड सेशन में तो डेफिनेटली आपको और क्लियर होगा, और अभी मैं मैपिंग बताते जा रहा हूं वन बाय वन। यहां तक क्लियर है तो कंफर्म करिए ताकि मैं आगे मूव कर सकूं। नाउ ग्रेट, लेट्स सी द कंप्लीट डाइजेशन मैपिंग। कंप्लीट डाइजेशन एंड मैपिंग के बारे में बात करता हूं, कंप्लीट डाइजेशन एंड मैपिंग। कंप्लीट डाइजेशन अगर क्लियर होगा तो मैपिंग अपने आप क्लियर है, मैपिंग में कुछ करना नहीं है। देखिए ये चार तीन के भी है, कंप्लीट डाइजेशन होगा, ए के पास भी कट होगा, बी के पास भी कट होगा, सी के पास भी कट होगा। जब कट होगा तो यू विल गेट द थ्री फ्रेगमेंट, एक 4 के बी, वन इज 3 के बी एंड वन इज 2 के बी एंड वन इज 1 के बी, ये मिलने वाला है। फ्रेगमेंट यहां पे जो होगा, जितना फ्रेगमेंट होगा उतना ही बैंड होगा, द नंबर ऑफ फ्रेगमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैंड। और एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको पता है कि जो रन होता है डाउनवर्ड होता है, अपसाइड टू डाउनसाइड, यानी जो जितना छोटा साइज होगा उतना फास्ट मूव करेगा, द स्मॉल साइज एंड स्मॉल साइज होगा डायरेक्टली द मूवमेंट। एनालिटिकल टेक्निक में ये आपको बताया जा चुका है, ऑलरेडी बताया जा चुका है बायोकेमिस्ट्री के एनालिटिकल टेक्निक्स में कि जब इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करते हैं तो छोटा साइज जो होगा तेज भागेगा, मोटू पतलू का केस बताया जा चुका है जी। सो दिस इज व्हाट कि ये आप यहाँ पे रन करेंगे तो इस तरीके के केसेस आएंगे। चलिए आगे मूव करने की कोशिश करता हूं, दैट इज द पार्शियल डाइजेशन। सी द पार्शियल डाइजेशन, इसको मैप कैसे करेंगे, पार्शियल डाइजेशन में मूव करेंगे जब, तो बहुत ही सिंपल यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेबल्ड अनलेबल्ड दोनों को समझने की कोशिश करिएगा, ऑलरेडी बताया गया है, देखिएगा वही डीएनए है, पार्शियल डाइजेशन करेंगे। लेबल्ड और अनलेबल्ड क्या बार बार वैसे कट करेंगे, जी नहीं, बस इस तरीके से चलते चले जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से चलते चले जाएंगे। देखिएगा वन, एक बार बता देता हूं फटाफट इसको करिएगा, एक बार पूरा का पूरा 4321, पूरा का पूरा 4321 किया, 4321 4321, दैट इज 4+3+2+1, पूरा कर दिया, एक एक स्टेप पीछे चलते चले जा रहे हो, 4321, तीनों फ्रेगमेंट को रख, चारों फ्रेगमेंट को एक साथ रखा 10 के बी, उसके बाद तीन फ्रेगमेंट, 4-3-2 4-3-2, इस इंड को नहीं छोड़ना है क्योंकि इसी इंड पे लेबल्ड है, अगर वो इस इंड पे लेबल होता तो हम इस इंड से पीछे आते, समझ में आ रहा है। अगर मैं कहूं कि इस एंड से लेबल होता तो हम इधर से पीछे आने की कोशिश करते, जिस एंड पे लेबल्ड होता है वो हमारा बेस होता है, ठीक है, उसके अपोजिट साइड से हमें डिक्रीज करना होता है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है, जो एंड होता है हमारा उसके अपोजिट साइड से डिक्रीज करना होता है। नाउ अब यहां पे 4-3-2-1 हो गया, फिर उसके बाद क्या जाएगा 4-3, उसके बाद 4-3 आ जाएगा, दो सेगमेंट फिर वन सेगमेंट, एक एक सेगमेंट में जाना है, बस उस तरीके से कर देना है, तो 10-9-7-4 ये लेबल्ड फ्रेगमेंट आ गए, उस इंड को पकड़े रखा, एक एक कम करते चले आए, चार फ्रेगमेंट आ गए, टोटल 4 फ्रेगमेंट, ठीक है, क्लियर है यहां तक। नाउ अब देखने की कोशिश करिएगा, दैट इज व्हाट, ये आपका यहां तक क्लियर होगा। सो आगे मूव करने की कोशिश करते हैं, 4-3-2-1, 4-3-2-1 के बारे में बात करते हैं, ये था लेबल्ड, अनलेबल्ड में बात करेंगे। अनलेबल्ड में इस 4 को छोड़ दीजिए, ठीक है, जो लेबल्ड वाला सेगमेंट है 4 को छोड़ दीजिए, इसको लेफ्ट कर दीजिए, ठीक है, दैट लेबल्ड जो है लेबल्ड वाले को छोड़ दीजिए, लेफ्ट कर दीजिए, बाकी यहां से शुरू करिए। अब यहां से कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक बार तीनों होगा, कैसे देखिएगा, 3-2-1, दैट इज द 6 के बी, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, 1-2-3, 6 के बी, एक बार 3-2-5 हो जाएगा, ठीक है, एक बार हो जाएगा 3-2-5, तो ये आ जाएगा, दैट इज द 5, ये केसेस बन जाएंगे आपके, दैट एक बार 3 पूरा का पूरा, फिर एक बार 2 3 के बी, फिर 1 के बी, फिर आपका 5 के बी, फिर 2 के बी, इस तरीके से आ जाएगा, दैट इज 6 3
1 5 2, क्लियर है? चलिए, तो अनलेबल्ड आपको मिल गए, लेबल्ड मिल गए। इसी को अगर रन करोगे तो देखिए, पूरा का पूरा जब जेल पे रन करोगे तो लेबल्ड अनलेबल्ड दोनों आएंगे। मैं लेबल्ड को स्टार मार्क कर रहा हूं, लेबल्ड को जो है वो स्टार मार्क कर दे रहा हूं। देखिए, ये आपका लेबल्ड है, ये लेबल्ड है, ये भी लेबल्ड है और ये भी लेबल्ड है। चार आपके लेबल्ड थे, स्टार मार्क्ड है। आपको दिख रहे होंगे कि लेबल्ड भी आ रहे हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ अनलेबल्ड भी आ रहे हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लेबल्ड भी है आपके पास और अनलेबल्ड भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चार लेबल्ड थे, चार लेबल्ड और अनलेबल्ड आ रहे हैं। इसके बाद जब हम इसको ऑटो रेडियोग्राम पे लर्न करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा? सिर्फ लेबल्ड आएगा, सिर्फ आपका 10 आएगा, ठीक है, उसके बाद 9 आएगा, उसके बाद 7 आएगा और फिर 4 आएगा, ठीक है जी। हे गाइस, होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर बेल आइकॉन पर दबाइए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में मैं और मेरी पूरी टीम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कई सारे और कॉन्सेप्ट्स के लेके जुड़ा रहूंगा मैं आपके साथ। सो प्लीज टिल द एंड टेक केयर एंड बाय बाय।